अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। इस वक्त मैं हूँ लाहौर में शीश महल के सामने, और जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हमने बाकी चीज़ें कवर की थी, जिसमें मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही जो किला है उसके कुछ काफ़ी पार्ट्स हमने कवर किए थे। अभी मैं खड़ा हूँ शीश महल में, द पैलेस ऑफ द मिरर्स, और इसका सेपरेट टिकट पे किया क्योंकि जो किले का टिकट था वो 50 था और शीश महल का सेपरेट 100 है। तो ये सारा बनाया गया है मिरर्स को यूज़ करके, जिसको शीशा कहा जाता है उर्दू ज़बान में। सो वी आर इन शीश महल लाहौर। यहाँ पे कुछ और आर्ट वर्क है, ये चीज मेरे अजीज, अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। क्या बात है, ये आप देख सकते हैं शाही किला। और सामने हमारे मनारे पाकिस्तान भी है, और ये हमारे सामने है जी गुरुद्वारा, एंड उसके पीछे बादशाही मस्जिद। ये किले की बाउंड्री लाइन, सारा व्यू आपको मिल रहा है शीश महल के अंदर से। यहाँ पे एक और पोर्शन है किले की दीवारें, और लाहौर के मनाज़र। यहाँ लकड़ी से शीशे निकल गए, बस लकड़ी के फ्रेम आ गए। सारा इनका बरामदा, लवली। तो शीश महल से निकलेंगे अभी अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, और ये सामने एक और कोई चीज़ है, लच्छी के क्या चीज़ है, पूरा मार्बल का बना हुआ है, लवली। ये भी शीश महल का पार्ट आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे भी शीशे लगे हुए हैं। और आपको खास व्यूज दिखाते हैं, तो शीश महल में ऐसा इतना कुछ नहीं है, बस एक पोर्शन है उसके अंदर शीशे की डेकोरेशन हुई है, और ये भी है। यहाँ से बादशाही मॉस्क का व्यू आता है और मीनार पाकिस्तान का, लवली। ये सामने बादशाही मस्जिद है, साथ ही गुरुद्वारा। और ये नीचे सारा किला एंट्रेंस जहाँ से हम आए थे।
अभी हम लोग जाएंगे नीचे बारूद खाने की तरफ एंड हाथी सीढ़ी। बारूद खाना उस तरफ था और यहाँ पे है शाहबुर्ज गेट है। टोपों पे जो बच्चे बैठे थे वो बारूद है। दोबारा खोखली हो गई है। ये है जी हाथी सीढ़ी है। हाथी सीढ़ी यही होगी ना, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ। एंड वी आर स्टिल नंगे पाँव और हमारी जूतियाँ लास्ट ब्लॉग से मस्जिद में ही पड़ी है। किले साहब की दीवारें तो देखें क्या बात है। आए हैं ऐसे ही तो नहीं ना किला कहते इसको। बाहर जंग चल रही है और आप इसके अंदर किला भी है इसको महफूज है, नहीं होता है। तब तोपे चलती थी, गोलियां तो इसके सामने कुछ भी नहीं। वो देखो ना कितनी मोटाई है। दीवारों की थिकनेस देखो। ये अंदर क्या है? इसके ऊपर शीश महल है ऊपर। So that's the exit. To Shahi Qila. हम इन दीवारों के टॉप पे थे। चलो जी से किले से वापस बाहर निकल रहे हैं हम लोग बादशाही मस्जिद की तरफ। सामने हमारे गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारे की एंट्रेंस। मीनामा वेयर इज द टेम्पल है। चेन्नई एक्सप्रेस वे वेयर इज द टेम्पल, बट दिस इज नॉट अ टेम्पल, ये सिखों का गुरुद्वारा है। ये भी शायद बादशाह के दौर के थे। सो हेडिंग टुवर्ड्स बादशाही मस्जिद। विद अस एपिक व्यूज राइट। ये आगे हमारी बादशाही मस्जिद, ये है हुजूरी बाग। पुराने जमाने में ऐसे दिखता था, अब ऐसा दिखता है। और ये किले की दीवारें बैक साइड पे, और इस साइड पे है जी बादशाही मस्जिद। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है बादशाही मस्जिद का। और जूम किया जाए इसके ऊपर, थोड़ा और जूम किया जाए। चलते तो अभी हम लोग रोशनी गेट से बाहर निकलेंगे।
सारा इलाका हमने देख लिया। लास्ट ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा, बस शाही मस्जिद, गुरुद्वारा एंड शाही किला ऑल इन वन। सो इस जगह को छोड़ के नए लाहौर में जा रहे हैं। हमारा टूर यहीं पे एंड होता है इस इलाके का, और अब हम जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पे। फैजान भाई, नेक्स्ट लोकेशन क्या करनी चाहिए? हम जो कह रहे थे पीछे दाता दरबार निकले, यहाँ से हम लोग निकलते हैं दाता दरबार की तरफ। शाही घोड़े से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। हवेली रूफ टॉप ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट इन द मिडल ऑफ लाहौर, शाही बावर्ची खाना। और साथ ही हमारा एग्जिट, लंदन की बस भी आ गया। शेर साहब इधर बैठे हैं, कौन से भाई साहब आए। हम बादशाही मस्जिद एंड दीगर जो चीज़ें हमने देखी थी उससे निकल के आगे जा रहे थे दरबार की तरफ। शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट, रात को हमारा दिल है अनारकली बाज़ार जाने का। सो अभी के लिए चलेंगे दाता दरबार, उधर का देखते हैं कैसे है। फाइनली हमारी ब्लॉगलेट्स पार्क और गई है वो सामने, और हम जा रहे हैं दाता दरबार। बहुत ही बिजी ट्रैफिक है इस वक्त, और अल्लाह का शुक्र है कि ड्रोन शॉट भी मिल गया हमें। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है लाहौर के अंदर, जिसकी वजह से क्लियर ड्रोन फुटेज नहीं आई, बट स्टिल मिल गई, यही काफ़ी है। चलते हैं एक दफ़ा दाता दरबार के अंदर और फिर आपको फुटेज दिखाते हैं। सो एंटरिंग दाता दरबार लाहौर, बहुत सारे कबूतर हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। हमारे फैजान भाई भी आ रहे हैं, उन्हें भी ब्लॉग का शौक चढ़ा हुआ है आज। दाता दरबार सो भी डिसाइड ही हुआ कि वापसी पे फ्री वाला लंगर खा के जाएंगे। फैजान भाई का मशवरा, दाता दरबार आ रहा और फ्री का खाना ना खा के जाओ तो क्या फायदा है। गंज बख्श आपकी मशहूर हम पे कर करम है। कबूतर ही कबूतर, कबूतर ही कबूतर। जानू करो कर
सखी कर कर हम लिखा हर जगह मोबाइल हाँ जी नाई अल्लाह शुक्र सर सुनाओ ठीक है चल बेटा मोबाइल बंद करो पीछे फोटोग्राफर साहब पीछे आ जाओ दादा साहब की कबर एंड इसके साथ ही एक छोटी कबर यहाँ पे दो और कमरे यहाँ पे एक और कबर और ये साथ ही मस्जिद है बहुत ही खूबसूरत मस्जिद दादा साहब का दरबार ये रात को रोशन होगा मोहम्मद That is the video from Dada Darbar Lahore. So finally अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं लाइट्स ऑन होगी हैं दाता दरबार पे अजान होते हुए मगरिब की और जुमे का दिन है आज की अजान हो चुकी है दाता साहब में दाता दरबार में एंड अभी नमाज पढ़ेंगे और निकलेंगे नेक्स्ट
अभी रात होगी इसलिए शायद डेस्टिनेशन चेंज हो, किसी मॉल वगैरह में जाएंगे या नारकली बाज़ार। सो लेट्स सी, मिलते हैं नमाज के बाद। गुड बाय दाता दरबार साहेब।